सब्सक्राइब कीजिए इस एडवाइस चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए हमारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है हीरो होंडा स्प्लेंडर में क्लच को किस तरीके से टाइट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये वाली राइट साइड की शील्ड को खोलना है, बड़े आसानी से खुल जाएगी। उसके बाद में आपको क्लच केबल में से आपको ये नीचे वाला नट को टाइट करना है। इसके लिए चाहिए आपको 12-13 का स्पैनर, उससे आपको ये नीचे वाला नट को टाइट करना होगा। जितना चाहिए आप क्लच आपको उतना हिसाब से इस नट को टाइट कर लीजिए। आप अपने अकॉर्डिंग से इस नट को सेट कर लीजिए। आप जितना चाहे टाइट कर सकते हैं, जितना चाहे लूज कर सकते हैं। नीचे वाले नट को टाइट करना है, तो चलिए मैं इस नट को टाइट कर देता हूँ। टाइट करने के बाद में आप एक बार चेक कर लीजिए इसमें। आप देख सकते हैं क्लच पूरी तरीके से टाइट हो चुका है। बड़े आसानी से आप घर पे ही हमारा वीडियो देखकर क्लच को टाइट कर सकते हैं। तो चलिए इसके ऊपर के नट को टाइट कर देते हैं, ताकि ये नट फिर से लूज ना हो जाए। इसको टाइट कर लीजिए। टाइट करने के बाद में तो चलिए शील्ड को भी फिट कर देते हैं। शील्ड को फिट करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे एक लॉक दिख रहा होगा, बस आपको उस लॉक में ये वाला होल से आपको उस लॉक में लगाना है। लगाने के बाद में आपको टैंक की तरफ में एक लब्बर भी मिल जाएगा, उस लब्बर में शील्ड को लगाना है। लगाने के बाद में शील्ड को लॉक कर दीजिए। एंड आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, खुदा हाफिज़।